अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने दिवाली की प्रिपरेशंस एंड डेकोरेशन कर लिया होगा, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन आइडियाज़, जो कि आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बजट में होगा, घर की चीज़ों से होगा। तो यहाँ पर आज मैं लिविंग रूम का डेकोरेशन करने वाली हूँ, जो कि पहले डेली रूटीन में मैंने बहुत ही सिंपल डेकोर कर रखा था उसका, लेकिन अब फेस्टिवल वाइब्स के लिए मैं बहुत ही अच्छा और कलरफुल डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पहले से ही सारे कवर्स वगैरह जो भी मैंने पहले बिछा रखे थे वो मैंने हटा दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लाइट ली है येलो कलर की, जिससे मैं अपनी विंडो पर लगाकर जो फ्लावर पॉट वगैरह है उस पर मैं इसे लगा दूँगी। दिवाली स्ट्रिंग लाइट्स के बिना एंड दिया के बिना, कैंडल लाइट्स के बिना अधूरी है। अब यहाँ पर मैंने एक पुरानी साड़ी ली है जिससे मैं कैनोपी बनाने वाली हूँ। कैनोपी आजकल बहुत ट्रेंड में है। कैनोपी बनाने के लिए मैंने पहले इसको धागे से बांध दिया है ऊपर कर्टन स्टैंड में एंड दोनों तरफ से सेफ्टी पिन से कर्टन पर लगा दिया है। तो एक प्यारी सी कैनोपी बन के तैयार है। अब यहाँ पर मैंने पपेट्स ली है जो कि एक DIY है, इसे मैं लटका दूँगी। अरे रुक जा, वापस कर। अब यहाँ पर मैंने पूरा डेकोरेशन कर दिया है, मतलब जो भी मुझे बिछाना था सोफ़ा कवर वगैरह वो मैंने बिछा दिया है, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक अलग ही डिफरेंट डिज़ाइन है इस सोफ़े कवर की। अब यहाँ पर जो मैंने कुशंस लिए हैं ये भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी। यहाँ पर जो भी मैं प्लेसमेंट्स बिछा रही हूँ ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए हैं। अगर आपको ये इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके लिंक्स जो है वो शेयर कर रखे हैं। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया तो आप देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुशंस वगैरह रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने एक बनारसी दुपट्टा लिया है जिसे मैं एज अ रनर यूज़ करूँगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई दुपट्टा हो जो कि अच्छा खासा जरी वर्क वगैरह कुछ अच्छा उस पर फेस्टिवल के लिए लुक हो तो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रनर, अगर आपके पास रनर ना हो। अब यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्स रख रही हूँ जो कि बहुत अच्छे लगेंगे, और ये जो सारे कलर्स हैं वो एक दूसरे को पॉपअप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ कैंडल होल्डर लिए हैं। ये कैंडल होल्डर मेरा DIY है जिसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको उससे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने ये नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं। ये कैंडल होल्डर जो है वो मैंने कार्डबोर्ड एंड POP से बनाए थे, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। अब इसमें मैं कैंडल्स रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं वाटर कैंडल बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास फ्लोटिंग कैंडल या फिर टी लाइट कैंडल नहीं है तो फ्लोटिंग ये जो वाटर कैंडल है वो बेस्ट रहेगी, जो कि बिल्कुल फ्री में बनती है। इसके लिए आपको वाटर डालना है, ऑब्वियसली कोई भी ग्लास यानी कि ट्रांसपेरेंट चीज़ लेनी है आपको, ग्लास या बाउल। उसमें मैंने फूड कलर डाला है ग्रीन कलर का, आप इसमें एक्रेलिक कलर या फिर पेंटिंग कलर भी डाल सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ग्लिटर्स में स्प्रिंकल किया है जिससे थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। आप इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स, पेबल्स कुछ भी डाल सकती हैं, जो भी डेकोरेटिव सामान, मोती, डायमंड्स जो भी हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक थोड़ी सी मोटी पॉलीथीन ली है, थोड़ी सी कड़क है वो, जिसे मैंने राउंड काट लिया है और बीच में मैंने इसमें एक हल्का सा छेद कर लिया है, बहुत ही छोटा सा इसमें होल किया है मैंने, जिसमें हम अपनी बत्ती इंसर्ट करेंगे। तो अब मैंने ये बत्ती ली है और इसमें मैं डालकर पहले बत्ती को अच्छी तरह ऑयल में डाल लूँगी। अब पहले ऑयल हमें ग्लास में डालना है, सारा ऑयल जो है वो ऊपर की ओर आ जाएगा जिससे हमारी वाटर कैंडल जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। जिनके पास कैंडल्स नहीं है उनके लिए बेस्ट है, और मुझे मार्केट वाली कैंडल्स से ये वाली कैंडल्स जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट लगती है दिखने में भी, एंड ये इसमें ख़राब होने का कोई डर नहीं है। आप जब चलाना चाहे इसमें ऑयल डाल दें और चला लें। अब इसमें बत्ती रख दी है मैंने प्लास्टिक के साथ ही, और ऊपर से भी आपको ऑयल डाल देना है। साथ ही में यहाँ पर मैं कुछ मोती वगैरह डाल रही हूँ, आपके पास जो हो आप उससे डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों ग्रीन कलर की बनाई है। साथ ही में यहाँ पर कुछ कलर्स ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स लिए हैं। ये फ्लावर्स मैं मार्केट से नहीं लाई हूँ, ये मैं अपने घर के आसपास जहाँ भी मुझे दिखे हैं वहाँ से मैं इसे लाई हूँ। तो इस तरह से आपको डेकोरेशन करने के लिए ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो अपने आसपास से मिल जाती है, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। अब यहाँ पर मैंने एक लैम्प लगाया है जो फ्लावर शेप का है, ये मैं लोकल मार्केट से ही लाई थी,
अब यहाँ पर मैंने एक बेडशीट ली है जो कि वही थीम के साथ है, रेड एंड वाइट कलर की। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, एंड ये पॉलिएस्टर कवर्स जो है ये मीशो से मंगाए थे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं लिंक। तो इस तरह से जितने भी प्लेसमेंट्स हैं वो मैंने बिछा के तैयार कर लिया है, एंड हमारा जो लिविंग रूम है वो फेस्टिवल के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल एंड सोबर, एंड बहुत ही जो दिखने में भी अच्छा हो और जिसमें मेहनत भी कम लगे। एंड सबसे बड़ी बात है, जितना भी मैंने डेकोरेशन किया है वो काफ़ी फंक्शनल है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप भी एक फंक्शनल करें, सेंटर टेबल पे बहुत ज़्यादा सामान ना भरें, बहुत ही कम सामानों के साथ सेंटर टेबल डालें अपने ग्लास टेबल पर। और ये जो कैनोपी है ये भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है, आप भी अपनी साड़ी को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी आइडियाज़ पसंद आए हों वो आप ज़रूर लगाएं, एंड मेरे से ज़रूर शेयर करें कि आपको वो कैसा लगा। अगर आपने भी इसमें से कोई आइडिया अपनाया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस बार मनाएं बहुत ही इको फ्रेंडली और बहुत ही सुंदर दिवाली, और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें आपका एक्सपीरियंस। तो तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप मज़ा लीजिए कि अब सारी लाइट्स जलने के बाद ये कैसा लगता है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on.